हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस वीएनएस में। आज टाइमली हैं, मुश्किल से मुश्किल 8-7-8 मिनट लेट हैं, इसके लिए भी क्षमा चाहेंगे और इसको भी बहुत जल्दी दुरुस्त कर लेंगे। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस पर। और एज पर कमिटमेंट, जो कल हमारा कमिटमेंट था आपसे, उसके अनुसार आज से हमारी क्लासेस लाइव होने वाली थी, चलने वाली थी, और उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कल हमने कल तो बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश के कारण जो है वो चीज़ें डिलेड हो गई और हमें केवल और केवल एक इंट्रो क्लास दे करके ही इसको क्लोज करना पड़ा। और आज हम टॉपिक ज़रूर पढ़ेंगे। पीछे आज का थंबनेल भी आज बता रहा है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ये करंट के मामलों में बहुत ही छाया हुआ है इस समय। इस पर चर्चा करेंगे क्या चीज़ें हैं। पूरे एक घंटे की हमारी क्लासेस होगी, 50 मिनट तक की लगभग हमारी क्लासेस होगी। हम 50 मिनट तक आपसे जुड़े रहेंगे। उससे पहले आप सभी के कमेंट्स ले लेते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर देते हैं। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सभी को जय हिंद, ठीक है। और बिल्कुल, अर्जुन यादव जी हैं, बाबू साहब और अभी अन्य सभी लोग जुड़ रहे हैं। एक बार सेशन को तेज़ी से शेयर कर दीजिए और बिल्कुल एक बार सेशन को तेज़ी से शेयर कर दीजिए। लाइक और कमेंट्स बरकरार रखिएगा, आपके लाइक और कमेंट्स से आपके सहयोग मिलते रहेंगे और ये बार बार हमें प्रेरित करेंगे कि क्लासेस हमारी ठीक लग रही है, तो ये चीज़ें रहेंगी। बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है हमारी टेक्निकल टीम, संतोष सर और सभी लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। और हम आपसे, आपके बीच जुड़ रहे हैं तो और भी जो है बेहतरीन है। थोड़ा सा शेयर ज़्यादा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो पाएँ, क्योंकि कल बिना बताए क्लास आज मेरा अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि सेशन को शेयर लगातार करते रहिए और जिससे जो आपकी संख्या है वो लगातार बरकरार रहे। फिलहाल हम जो आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त भाई, छोटे भाई बहन जो भी हमसे इस जगह पर जुड़े हुए हैं, हर हर महादेव, सभी को, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया। भारत में 70 साल बाद चीतों का आगमन हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले चीते नहीं थे, भारत में चीते थे, पर कुछ पर्यावरणीय असंतुलन के कारण, या आप पर्यावरणीय असंतुलन को ब्लेम नहीं कर सकते। भारत में जो चीते विलुप्त हुए हैं उसका मुख्य जो कारण है वो है, चीते का विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है शिकार होना। जैसे भारत में कई सारे राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा या शिकारियों के द्वारा चीतों का शिकार होता गया, उनकी खालों के लिए, उनके नाखूनों के लिए, और इस प्रकार से भारत में चीते विलुप्त हो गए। चीते के विलुप्त होने में भारत का कोई पर्यावरणीय असंतुलन कोई रोल, अहम भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन चीते के रोल में उसका जो नरसंहार है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में चीता एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, और पर्यावरणीय दृष्टि से भी चीता अपना एक अहम योगदान देता है। तो ये बहुत टॉपिक है और खास करके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, SSC, रेलवे, पुलिस, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, उनसे भी रिलेटेड है, क्योंकि इसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य की आवश्यकता होती है। और किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ये रखा जा रहा है, वहाँ का पर्यावरणीय संतुलन किस प्रकार से है, कहाँ से ये चीते लाए गए हैं और कितने चीते लाए गए हैं, किस प्रकार के विमान से इन चीतों को लाया गया है, किस तरीके से संरक्षित कराया जाएगा, और भारत में चीता प्रोजेक्ट के हेड कौन है और किन के संरक्षण में ये कार्य किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और चीते के इतिहास के बारे में भी हम समझेंगे। तो आप सभी का बीच में कट, हाँ जी, ओनली क्रिकेट लवर्स, बीच में एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है, कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं, पर ये बहुत कम सेकंड के लिए होगा, आई थिंक थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। क्लास लंबा नहीं रुक रहा है, थोड़े सेकंड के लिए रुक रहा है, मेरे हिसाब से कुछ लाइनिंग आ जा रही होगी कलरफुल, इंद्रधनुष टाइप के, तो कुछ सेकंड के लिए होगा पर कॉन्टिन्यूटी लगातार बरकरार रहेगी, तो थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर जरूर करिए, ठीक है। बिल्कुल, कुछ क्लासेस जो है वो मैं समझ रहा हूँ, एक दो दिन में ये समस्या का निस्तारण मैं कर दूंगा, ठीक है। और जो भी आज क्लासेस चलेंगे उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS, कल हमने इसको शेयर भी किया था। फिलहाल इन सभी चीजों को बताने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो का जो सोर्स है वो माई गवर्नमेंट इंडिया, भारत सरकार का एक अपना एप्लीकेशन, एक अपना ऐप है, भारत सरकार का अपना एक क्या बोल सकते हैं, भारत सरकार का अपना एक संगठन है जिसको माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से उसने प्रसारित किया। उसके नाम से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। तो उस सोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत सरकार की इस परियोजना में नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी अहम योगदान है। तो पहले एक मिनट का मैं वो वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद उसके टॉपिक पर एक एक करके हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो लगातार जुड़ते चले जाइए, देखिए वीडियो उसके बारे में, आपके सामने वीडियो आ रहा है, बने रहिए जी। प्रकृति के साथ जीवन जीने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ को सार्थक करने की दिशा में एक पहल है प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुरु पालुपुर पार्क में छोड़कर करेंगे और इसके साथ ही शुरू होगा धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव के संरक्षण का अनूठा प्रयास। देश में चीतों का अस्तित्व 70 साल पहले खत्म हो चुका है, तो अभी आपको जो है हमने एक वीडियो दिखाया, मैंने आपको बताया था कि इसमें माय गवर्नमेंट इंडिया के जो सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साउंड डबिंग आ रहा है वीडियो का, वीडियो का साउंड डबिंग नहीं है, एक्चुअली किसी एप्लीकेशन के थ्रू जब चलाया जाता है तो ये बेसिकली इस गुड इवनिंग सभी को बेसिकली देखिए कमेंट सेक्शन पर हम ध्यान बाद में देंगे। टोटल हमारा जो उद्देश्य और एम है आपसे जुड़ करके आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का, तो इस बीच अगर आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन जैसे ही बीच में कुछ टॉपिक क्लियर करने के बाद हमें समय मिलेगा तो हम सभी आपके एक एक करके नाम और आपके कमेंट को हम जरूर ले पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं कि अभी जो वीडियो आपने देखा तो उसमें एक व्यू, एक कह सकते हैं कि एक प्रस्तावना के रूप में आपने एक वीडियो को देखा है, समझा है। आइए आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि यस कूनो नेशनल पार्क, ये कूनो नेशनल पार्क्स में जो चीता है, जो चीते आए हैं नामीबिया से, इन कूनो नेशनल पार्क्स में इन चीतों को संरक्षित रखा जाएगा। तो एक डिस्क्रिप्शन है कूनो नेशनल पार्क के बारे में कि कूनो जो नेशनल पार्क है उस कूनो नेशनल पार्क के बारे में हम समझते हैं कि कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिए ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, पहले तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको बता दूं कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कहां पर, मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है भारत का, इस मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बाघों और चीतों के संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए बेहतरीन जगह है, तो कूनो नेशनल पार्क वहां पर है, ठीक है। और ये कूनो नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी, 1981 में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क भारत में पहली बार स्थापित किया गया 1981 में, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर चीतों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि कूनो नेशनल पार्क की स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा इस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा
कब प्रदान किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कूनो नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई है बच्चों, वो 1981 में हुई है कूनो नेशनल पार्क की स्थापना, और इसे नेशनल पार्क के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में इसे जो दर्जा प्रदान किया गया वो 5 दिसंबर 2018 को दिया गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस सभी का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस वीएनएस पर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 दिसंबर 2018 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया, नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। ये दो जिले, एक ध्यान रखिए दो जिले, एक जिले का नाम है श्योपुर और एक जिले का नाम है मुरैना, इन दो जिलों में विस्तारित है। ये जो कूनो नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो मध्य प्रदेश के दो जिले श्योपुर और मुरैना, और मुरैना जिला बहुत फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, मुरैना जिला बहुत फेमस जिला है। मुरैना जिला में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस मंदिर के स्ट्रक्चर पर ही भारत की जो पूर्व संसद बनी हुई है, वो संसद का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुरैना में ही वो स्थित है। तो मुरैना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो श्योपुर और मुरैना जिला, श्योपुर और मुरैना जिले में ये विस्तारित है और लगभग 748.76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग 748.76 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है कूनो नेशनल पार्क, ध्यान रखिए। और इसे 2009 में चीता के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये ऐसा नहीं है कि भारत में चीते 2022 में लाए गए, भारत में चीतों को लाने के लिए प्रयास बहुत दिन से चला जा रहा है। ठीक है, भारत में चीतों को लाने के लिए जो प्रयास है वो आज से ही नहीं किया जा रहा है, 1948 में आखिरी चीतों को देखा गया था। छत्तीसगढ़ में एक जंगल पड़ता है कोरिया का जंगल, उस कोरिया के जंगल में, वहां कोरिया के जो राजा थे, उस कोरिया का राजा का नाम था रामानुज प्रताप सिंह, और रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार कर दिया, वही लास्ट चीते थे, और 1948 का वो वक्त था, और मेरे हिसाब से 1952 के आते आते पूरी तरीके से भारत में चीतों को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, भारत में पूरी तरीके से चीतों को विलुप्त प्राय अर्थात खत्म घोषित कर दिया गया। तो लगातार चीतों को पुनः भारत में बसाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, और इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार में भी चीतों को बसाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद बहुत सारा प्रयास किया जा रहा था। हम ईरान से चीता लाने वाले थे, लेकिन ईरान का जो डील था हमारे से, वो ईरान के डील के बीच में गड़बड़ा गया, क्योंकि ईरान ने हमसे चीते के बदले शेर मांग लिया। तो हम अब ऐसा डील तो नहीं कर सकते कि किसी एक के संरक्षण के लिए दूसरे को हम यहाँ से स्थानांतरित कर दें, तो हमने ये डील कैंसिल कर दी। फाइनली हम दक्षिण अफ्रीका से जो हमने चीते ले आए, नामीबिया से चीते ले आए, और 8 चीतों को हम यहाँ पर ला करके पुनर्वास किए हैं, किसमें, कूनो नेशनल पार्क में। तो 2009 में एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया कि यह जो कूनो नेशनल पार्क है, वो कूनो नेशनल पार्क एक बेहतरीन नेशनल पार्क है चीतों के पुनर्वास केंद्र के लिए। ध्यान रखिएगा कि इस जगह चीतों के रहने, खाने और उनके संरक्षण के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं मौजूद हैं। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर ही 2009 में ही प्रस्तावित कर दिया गया था कि कूनो नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क होगा जहां पर चीतों को रखा जाएगा। ठीक है, आप ये कूनो नेशनल पार्क का इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर तो अभी लोगों भी लगा हुआ है कि चीते यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए सरकार ने कई सारी प्रिपरेशन और कई सारी तैयारियां की हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बता दूं कि बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए वीडियोस पॉज हो रहा जा रहा होगा, या कलरफुल लाइनिंग्स आ जा रही होंगी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरा वादा है बच्चे कि इसको मैं सही कर दूंगा 1-2 दिन में, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पर वीडियो कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक है, वर्तमान में चीते लगभग कितने होंगे मैं बता दूंगा, आप डोंट वरी, पूरे विश्व में चीते लगभग 7000 हैं, और 7000 में से 4500 चीते केवल साउथ अफ्रीका में है बेटा, ये बता दूं। चेक करने का प्रयास मत करिए, क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का जवाब एकदम तड़ाक से आपको मिलेगा, थोड़ा सबर रखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माई सिनेमा मूवी, ये इस प्रकार के दिलों का जो आप संयोग बना करके मेरे ऊपर फेंक रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक दिल भी बना देंगे तो मेरा प्यार आपके लिए उतना ही रहेगा जितना इन लाख दिलों का है, तो एक ही की काफी है, पर्याप्त है मेरे लिए। ठीक है, बहरहाल आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सर स्मार्ट बोर्ड पर लिखा हुआ बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ।
मैं इसको बड़ा कर सकता हूं बेटा, जो है मैं इसको बिल्कुल बड़ा कर सकता हूं, डोंट वरी बेटा, ये देखो ठीक है, ये आई थिंक अब थोड़ा सा बिल्कुल, तो ये बड़ा कर दिया हूं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 42 और 43 हो रहा है, ये थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सेशन को 50 से प्लस करिए प्लीज, 50 से सेशन से प्लस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं, तो लगभग 2009 में ही यह प्रस्तावित कर दिया गया कि कूनो नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क होगा जहां पर चीतों को पुनः निर्वास किया जाएगा, पुनर्वास के लिए इनको रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्क की संख्या वर्तमान में कितनी है, 10। मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्क की संख्या 10, ये आंकड़े हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी, क्योंकि समय समय पर आपके जो पार्क है वो बनाए जाते हैं, तो 10 नेशनल पार्क है। और कुल टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें, कुल वन्य जीव अभयारण्य की, तो 24 वन्य जीव अभयारण्य आपको मिल जाएंगे कहां पर, मध्य प्रदेश में। और बायोस्फीयर रिजर्व की, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 3 है। एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, कूनो नेशनल पार्क द मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, एस्टैब्लिश्ड इन 1981 में, एंड दिस नेशनल, दिस इज टेक द नेशनल पार्क का ये जो दर्जा इसने प्राप्त किया वो 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया। कूनो नेशनल पार्क कुल 748.76 किलोमीटर में विस्तारित है, मध्य प्रदेश के 2 जिलों श्योपुर और मुरैना के बीच इसका जो क्षेत्रफल है वो विस्तारित है। और मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 10, वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 24 और 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कूनो नेशनल पार्क के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, आखिर क्यों चुना गया कूनो नेशनल पार्क को ही कि यहां पर चीते रहेंगे, आखिर नेशनल पार्क ही ऐसा पार्क क्यों। भारत में तो बहुत सारे 106 नेशनल पार्क्स, मैं आपको बता दूं इन इंडिया देयर आर 106 नेशनल पार्क प्रेजेंट इन सिचुएटेड, 106 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं कि 106 नेशनल पार्क में आखिर कूनो नेशनल पार्क में ऐसी क्या खासियत थी कि यहीं पर चीतों को रखा गया। एक्चुअली पहली चीज कि चीतों के लिए जो सही वातावरण चाहिए, छोटी छोटी पहाड़ियां, नदियां, घास के मैदान, वो बेहतरीन ढंग से कूनो नेशनल पार्क में थे। कूनो नेशनल पार्क के आसपास का जो वातावरण था वो चीतों के पुनर्वास के लिए बेहतरीन था। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क या उसके अगल के नेशनल पार्क में चीतों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है। जैसे चीते के लिए जो सबसे अच्छा भोजन माना जाता है वो माना जाता है चीतल को। चीतल हिरण की एक प्रजाति है जिसका मीठा मांस होता है और ये चीते का सबसे फेवरेट फूड होता है। इसलिए यहां पर इन सभी चीजों की उपलब्धता को देखते हुए यह तय किया गया कि कूनो नेशनल पार्क ही एक ऐसा पार्क होगा जहां पर चीते की उपलब्धता को रखा जाएगा या चीता को उपलब्ध करा सकते हैं या चीता को पुनर्वास केंद्र बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात, अच्छा दूसरी बात, खास बात यह है कि आज तक विश्व में कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि किसी एक कॉन्टिनेंट से, किसी एक महाद्वीप से जानवरों को दूसरे महाद्वीप ला दिया जाए। पहली बार 2022 में एक इतिहास बना है कि अफ्रीका महाद्वीप से जानवरों को एशिया महाद्वीप में ट्रांसफर किया गया है। नामीबिया से भारत के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में पहली बार जीवों को ट्रांसफर किया गया है, जानवरों को ट्रांसफर किया गया। तो ये ध्यान रखिए कि पहली बार किसी महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर चीते का ट्रांसफर हुआ है, इन अभी हमारे पास्ट में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश, सॉरी इंडिया के नहीं, माफी चाहूंगा, ये उसकी करेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क है कान्हा, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है कान्हा। और एक बात बता दूं, कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर्स, बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में नेशनल पार्क्स की कुल संख्या कितनी है, 106। ये प्रमुख डाटा है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और यहां से क्वेश्चंस अराइज होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए, आप ये देखिए चीता आपके सामने दिखाई दे रहा, चीता, इसकी जो विशेष पहचान होगी, चीते की जो विशेष पहचान होती है वो इसके मुख पर ये जो धारियां है इससे ही पहचाना जाता है।
वरना चीता और तेंदुए में फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम कैटेगरी के जानवर हैं ये, सेम कैटेगरी के जीव हैं। बिल्ली जो है उसी की जातियां हैं, उसके बड़े जानवर हैं, तो चीता और तेंदुआ में बड़ी सिमिलर सी है। अब बाघ को आप पहचान लेंगे क्योंकि बाघ के शरीर पर लंबी धारियां होती हैं, तो बाघ को आप पहचान लेंगे। बाघ ताकतवर होता है, वजन में ज्यादा होता है, शरीर हैवी होता है, लेकिन तेंदुआ और चीता, हालांकि चीता तेंदुए से भी हल्का होता है, 72 kg के अप्रोक्स इसका जो होता है वजन वो होता है, लेकिन स्पीड के मामले में इससे तेज धावक पूरे विश्व में कोई नहीं है। इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में अगर दौड़ना स्टार्ट कर दे तो 120 किलोमीटर, और खास बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि मात्र 3 सेकंड में 103 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है। इतना पावरफुल जानवर है, और इसके जो शरीर के रिब्स है, इसके शरीर के जो मेरु रज्जू है, वो इस तरीके से उसकी बनावट है कि इतना बेहतरीन इसके शरीर का बैलेंसिंग होता है कि इतनी तगड़ी स्पीड में ये कार्य करता है, इतनी तगड़ी स्पीड से अपने हमने क्या बोलते हैं शिकार पर हमलावर होता है कि कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में उनको पकड़ लेता है। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, इसका जो डिमेरिट है ना कि वो बहुत लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता, लगभग 450 मीटर मात्र, लगभग 450 मीटर के बाद सेवा समाप्त। स्पीड तो बहुत है और एफिशिएंसी भी है, लेकिन ये स्पीड का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 450 से 500 मीटर के बाद चीता रुक जाता है, और मेरे हिसाब से इतने में ही काम तमाम कर लेता है। जो छोटे जानवर होते हैं उन छोटे जानवरों को इतनी बैकअप स्पीड होती है, इतनी स्टार्टिंग स्पीड इतनी पावरफुल होती है कि उतने में ही इन्हें कैचअप कर ले जाता है। तो इतना स्पीड इसके लिए पर्याप्त है, इसे 10 किलोमीटर दूर दौड़ करके इसे शिकार पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, तो इतने में ही ये कैचअप कर ले जाता है। और अगर कोई इससे ज्यादा पोटेंशियल और क्षमता वाला एफिशिएंसी वाला जानवर मिल गया तो इसको दौड़ा देगा, अगर लंबा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो इसका सेवा समाप्त वही बैठ जाएगा, ये फिर उसके बाद अप्रोच नहीं करता कि वो उस जानवर को पकड़ ले। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिलहाल ये तो चीते के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी थी, इमेज के रूप में हमने आपको चीता बता दिया है, ठीक है। तेंदुआ और चीता काफी सिमिलर होता है, खास बात दोनों में एक टेक्निकल बात बता दूं, ये जो तेंदुआ होता है वो तेंदुआ को आप बचपन में बग्घा के नाम से भी जाना जाता था, और कुछ लोग डराते थे आपकी मम्मी मम्मी लकड़ बग्घा की सो जाओ, रात में लकड़ बग्घा उठा के ले जाता है या ऐसा कुछ। ये तेंदुआ और वो जो सियार टाइप के जानवर होते हैं उनको भी डराने के नाम से। लेकिन एक बात तेंदुए की खास बात मैं बता दूं, ये जो तेंदुआ होता है ना ये शिकार रात में करते हैं, ये खास बात है। तेंदुए शिकार रात में करते हैं और चीता शिकार दिन में करता है, ये एक जनरल डिफरेंस आप दोनों में प्राप्त कर सकते हैं, हाँ खास बात। और ये तेंदुए के मुंह पर ये धारी नहीं मिलेगी, ये धारी आपको चीते के मुंह पर मिलेगी, ठीक है। और इसके जो ये स्पॉट्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, ये बड़े होते हैं और उसमें तेंदुए में छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, और खास बात इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता, तो द साइंटिफिक नेम इज एसिनोक्स जुबेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगामी परीक्षा पेट हो एसएससी हो उसके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम होगा एसिनोनिक्स जुबेटस, ये वैज्ञानिक नाम है तेंदुए का, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। और ये किस कुल या फैमिली की बात करेंगे, तो अगर इसके फैमिली या कुल की बात करेंगे तो फेलियाडे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये किस कुल का है बेटा, तो ये फेलियाडे, ये फेलिडाए कुल है, इस फेलिडाए कुल का बिल्ली प्रजाति आती है, तो बिल्लियों की ही एक प्रजाति होती है, बिल्ली प्रजाति का ये बड़ा जानवर है, ठीक है। तो ये है, ठीक है ना, तो ये हाँ चलिए बिल्ली प्रजाति का ही है। और टॉप स्पीड देखिए, एक चीज और है, कहाँ कहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं, अरे चीते पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चीते अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा चीता, हाँ बिल्कुल सबसे ज्यादा जो चीते पाए जाते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मैक्सिमम अफ्रीका, ठीक है।
और मध्य एशिया, जैसे ईरान जैसे क्षेत्रों में मध्य एशिया जो आपका रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में जो चीतों की संख्या है वो 7,000 है। कितनी है? 7,000। पूरे वर्ल्ड में चीतों की जो संख्या है वो कितना है? 7,000। और 7,000 में से 4,500 चीते केवल और केवल आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में। IUCN की रेड डाटा बुक में इसका नाम है। मैं आपको बता दूं, IUCN की एक डाटा होती है जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक, जिसमें विश्व में जो विलुप्त प्राय जीव है, ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, उन विलुप्त प्राय जीवों की सूची तैयार करता है रेड डाटा बुक। उसमें भी इसका नाम दर्ज है, विलुप्त प्राय जीवों में है, संरक्षण के लिए परेशान है। तो 7,000 टोटल चीते, जिसमें से 4,500 चीते मात्र अफ्रीका में है और बचे हुए चीते अन्य जगहों पर है। क्लियर है? तो एक बात और यहां पर ध्यान दीजिए कि भारत में जो चीते विलुप्त हुए हैं वो 1948 में, ठीक है, 1948 से चीते विलुप्त हो गए। और फाइनली सरकार के द्वारा 1952 में ये घोषणा कर दी गई कि अब भारत में चीते एक भी नहीं बचे। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जो चीते आए भारत में वो कहां से आए? तो ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है, बोइंग 747 का ये विशेष विमान। बोइंग कंपनी है जो विमान बनाती है, बड़े बड़े विमान बनाती है, मालवाहक विमान बनाती है। तो उसकी मैंने एक इमेज रखी हुई है ताकि आपको देखने में पूरी पढ़ाई का पूरा मजा आपको मिले जबरदस्त तरीके से। तो बोइंग विमान का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और चीतों को लाए जाने के लिए इस विमान में विशेष व्यवस्था बनाई गई थी और ट्रिब्यूट दिया गया था। इस विमान के ऊपर का जो फेस देख रहे हैं वो चीते के आकार का बनाया गया है, इसमें चीतों को दिखाया दे रहा है, ठीक है, इससे चीतों को इसमें दिखाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये पहली चीज की चीते कहां से लाए गए थे, तो नामीबिया से लाए गए थे, और नामीबिया पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। कुल कितने चीते लाए गए? 8 चीते। कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते, ठीक है। और ये 8 चीतों में से 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। ध्यान रखिएगा, 3 मेल और 5 फीमेल, क्लियर है, 3 मेल और 5 फीमेल चीते इसमें लाए गए। कहां से? नामीबिया से। और इसका निवास स्थान रखा गया कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। खास बात, बहुत खास बात, इन्हें किया गया, तो आपको बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72 बर्थडे, 72वां जन्मदिवस के उत्सव पे इसे भारत में लाया गया। तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे 72वां बर्थडे मनाते हैं, और इसी बर्थडे के दिन 8 चीतों को कूनू नेशनल पार्क में इस विशेष विमान से लाया गया। इस विशेष विमान की खास बात यह है कि यह कह सकते हैं कि जैसे विमानों में पेट्रोल लेने के लिए एक दो जगह पर लैंड करना पड़ता है, पर यह विमान की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इसे लैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इतनी फ्यूल क्षमता है, इतनी टैंक क्षमता है इसमें, कि इसे एक लगातार 16 से 17 घंटे तक लगातार उड़ाया जा सकता है, इसे तेल के लिए कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। ये बोइंग 747 है और विश्व में सबसे बड़े विमान बनाने का इनको जो है गौरव हासिल है। तो ये बोइंग उसी से आया है, स्पेशल केज बना करके इसको लाया गया। ध्यान रखिए, इसमें मैंने लिख भी दिया है, बोइंग 747 के विशेष विमान से इस पर चीते की इमेज भी बनी हुई है, तो इससे इसको लाया गया है। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? व्यूअर्स घट रहे हैं तो थोड़ा सा आप अब आपके कमेंट पढ़ने का मौका आ गया, इसके बाद बची हुई चीजों को कुछ हम आगे लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आप सभी का कमेंट पढ़ने का जो है वो आ गया है समय, ठीक है, तो देख लेते हैं आप सभी के कमेंट और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कुछ। पहले हैं अजय प्रजाप एंटरटेन, चित्र से ट्री पर चढ़, हाँ जी, चीता चढ़ सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिग्विजय हेलो भैया। अजय सिंह सर, इंडिया में कितने आ रहे हैं? 8। आपको क्वेश्चंस का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, और क्या है सर, रेड डाटा बुक कब बना?
देखिए बेटा, ये IUCN एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसने विलुप्त प्राय जीवों की सूची के लिए आई थिंक 1964 में इसके लिए लिस्टिंग करना चालू किया। तो आई थिंक योर आंसर इज 1964, ठीक है। हाँ जी सर, विमान इंडिया का है? नहीं बेटा, विमान सेविंग इंडिया का नहीं है, बोइंग इंडिया का नहीं है, बोइंग खरीदता है विमान इंडिया का, ठीक है। सर ज्योग्राफिकल सेक्शन है, फिर ये टॉपिक अलग हो जाएगा। बायोस्फीयर पर वन्य जीव अभ्यारण और नेशनल पार्क्स में क्या अंतर होता है, एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे और उसमें हम डिस्कस कर देंगे। गैंगस्टर ऑफ आजमगढ़, अरे बाप रे बाप, भैया गलती उलती होगी तो क्षमा चाहेंगे, गुरु जी भी लिख रहे हैं और इतना खतरनाक नाम, तो भैया बस ठीक है, पढ़ाऊं आपको? बिल्कुल सर, लास्ट में पढ़ाइएगा, बिल्कुल अभी पढ़ा के थोड़ा सा आपके कमेंट ले रहा हूँ। प्रिया राज, थैंक यू मैम, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों के कमेंट स्टार्टिंग में नहीं ले पाया, एक्चुअली कमेंट लेने से थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है, पर आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सभी का सर, बिल्कुल सोना गुप्ता जी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अभिषेक राय, मजा आ रहा है सर, थैंक यू। सर PDF भेज दीजिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप तक PDF भेज दिया जाएगा। सोना गुप्ता जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक एक लेके आऊंगा पक्का, आपसे वादा है मेरा, ठीक है। हाँ जी, हिंदी का क्लास आई थिंक चलेगा, बिल्कुल चलना भी चाहिए, सर आएंगे, मौजूद हैं, रजनी का भी क्लास चलेगा, राजन सर आ जाएंगे, ठीक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और समय को बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, जो काम करने के लिए आए हैं मुख्य फोकस उस पर होना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये तेंदुए का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर हम आपके सामने रखे हुए हैं, मैंने तेंदुए की स्पेसिफिकेशन भी बता दिया है कि स्कूल का आता है और चीते का, माफी चाहूंगा चीते का, दोनों सेम लगते हैं इसलिए नाम बदल जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान बताई है कि इसके यहाँ पर नाक के पास जो धादियां होती हैं इनसे पहचान सकते हैं, कभी भी आपके सामने आ जाए तो पहचानने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, बहुत तेजी से दुम दबा के भागने का प्रयास करिए वरना धारी आप पर बना देगा, खतरनाक जानवर है ये, स्पीड भी जानते हैं, भाग भी नहीं सकते क्योंकि इतनी स्पीड से तो भारत सरकार की सबसे सेमी हाई स्पीड की ट्रेन वंदे भारत दौड़ रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये ध्यान रखिए कि अगर गलती से भूले भटके आपके सामने आ गया तो भागो नहीं, भागो नहीं रे भैया, भागोगे नहीं तो कल्याण हो जाएगा। अब भागने का प्रयास कर लोगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सेकंड में 103 किलोमीटर, और आप अपना कैस्ट्रोल CRB प्लस पी के तो घूमोगे नहीं, तो ये समझ लो कि डीजल मोबाइल सब खत्म हो जाएगा, इसके चक्कर में पकड़ लेगा तो काम खत्म कर देगा, तो ये चीज है, ठीक है। सभी को जय दुर्गा माता, हाँ हाँ बिल्कुल, ये दुर्गा माता की सवारी नहीं, दुर्गा माता की सवारी शेर है बेटा, ठीक है। चलिए सर, वंदे मातरम से भागना होगा, वंदे मातरम से नहीं भागना होगा, वंदे मातरम के भी आगे निकल जाएगा ये जान जाओ, और वंदे मातरम में से निकाल के जय हिंद करवा के मारेगा, बुद्धि हरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, भारत में मैंने बताया कि 1948 में, भारत में 1948 में जो है चीतों को जो है खत्म कर दिया गया था, एक कोरिया झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ध्यान छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है कोरिया, कोरिया आप उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया वो किंग जोंग वाला मत समझिएगा, उस पागल वाला मत समझिएगा, ये कोरिया के जंगल पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह, ठीक है बेटा, रामानुज प्रताप सिंह जो है वो यहाँ के राजा थे, ध्यान दीजिए। और पहले राजाओं को शान शौक होता था, शिकार करने का बड़ा शौक होता था, पिस्तौल और बंदूक लेकर के जंगल में विचरण में निकलते थे और शेर और शिकार करके अपने आप को साबित करते थे कि यस वो रियल हीरो है, शेर को मार रहा है, बाघ को मार रहा है, ये सब फालतू चीजें हैं, किसी की भी हत्या होती है, जीवों की हत्या तो बहुत बड़ा अपराध है। तो छत्तीसगढ़ के जो कोरिया के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह, इन्होंने 1948 में 3 चीतों को मार दिया था, और भारत में लास्ट में वही 3 चीते बचे हुए थे। अच्छा हमारे सर बता रहे हैं कि कोरिया का जो नाम है बैकुंठपुर है, सर के सहयोग से मुझे ये प्राप्त पता चला, तो ये ध्यान रखिए इसको बैकुंठपुर जानते हैं जो लोग यहाँ होते होंगे, बैकुंठपुर, ठीक है, तो होगा ध्यान रखिएगा, ये बैकुंठपुर है कोरिया का। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर के भी सहयोग से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ कोरिया रामानुज प्रताप सिंह 1948 में 3 शेर थे, कुछ है यहाँ पर भी गीदड़, खत्म करना पड़ेगा उनको,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में भी रहेगा जो ऑफलाइन क्लासेस में होगा, आप जानते हैं मेरा नाम, ठीक है। कुछ टीचर हमारे सहयोगी हैं जो क्लास में हमें परेशान कर रहे हैं, तो जानते हैं उन्हीं एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। आइए उतार दूंगा दो मिनट में। तो 1948 में तीन और तीनों को मार दिया, कौन भैया? तो छत्तीसगढ़, कोरिया, रामानुज प्रताप सिंह ने, और ये लास्ट तीन चीते बचे हुए थे, इसके बाद सेवा समाप्त हो गई। फाइनली भारत ने 1952 में फाइनली भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि 1948 में शैलेंद्र सर अभिनव, ठीक है, और मस्ती करते रहते हैं घर में, कहीं मार वार भी खा के आए, पता नहीं क्या है, बर्तन वर्तन के चक्कर में भाभी है मेरी तो पीट पीट देती हैं, बुला लो क्या, आइए, तो जो है शरारते थोड़ा सा, ठीक है, चलिए, आप सभी का प्रेम है, आप सभी हमें जानते हैं, तो हाँ, माय फेवरेट जीएस गुरुजी, थैंक यू रितेश भाई। तो देखिए 1952 में चीतों को विलुप्त मान लिया भारत सरकार में, मैंने बताया कि विश्व में टोटल 7000 चीते बचे हुए हैं और 7000 में से 4500 चीते आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अफ्रीका चीतों के पुनर्वास केंद्र के लिए, पुनर्वास नहीं कह सकते, संरक्षण के लिए बहुत बड़ी जगह है, और अब इसमें प्रयास करने के लिए भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में कुल 8, भारत में कुल जो है 8 चीतों को लाया गया है, और वो 8 चीते अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 नर और 5 मादा है, और सभी की उम्र 4 से 6 साल के बीच है, यंग है, युवा है, और आई होप आपका सहयोग रहेगा तो ये इनकी संख्या को बढ़ाने में भी मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो बाघ चीतों चीते बोला था, टाइगर्स की बात कर रहे हैं, जो बाघ होते हैं उनके लिए हमने रिकॉर्ड किया है, हमने बाघों की संख्या को दोगुना करने का रिकॉर्ड कम समय में पाया था। वर्तमान में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा आई थिंक 526 से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। उसी तरीके से शेरों के लिए भी हमारे यहाँ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, जिसके लिए हमारी धरती मानी जाती है, और हम सब शेर हैं, आप सभी शेर हैं, 42 शेर हमारे साथ, तो आपसे बड़ा शेर रितेश चौधरी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आवाज रुक रुक कर आ रहा है दिल साह जी, क्या करे, रुकना ही हमारी फितरत है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको रखा हूं, इसके अलावा कुछ और डाटा पर अगर हम बात करेंगे तो बता दें कि आपको बता दें कि चीता आखिर क्या ऐसी नीड है कि चीतों को पुनः बसाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चीतों को बसाने का मुख्य कारण भारत में क्या है? तो चीतों को बसाने का भारत में मुख्य कारण है पर्यावरणीय संरक्षण या पर्यावरण के दृष्टिकोण से। एक्चुअली चीते उसी पर्यावरण में निवास कर सकते हैं जिस पर्यावरण में साफ, जो शुद्ध पर्यावरण हो, साफ पर्यावरण हो, उसी पर्यावरण में चीतों क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और किसी पर्यावरण में चीते निवास नहीं कर सकते, ठीक है। अभिषेक सर और सर को भी, शैलेंद्र सर को भी महादेव, सभी को महादेव भैया, सभी को महादेव, ठीक है, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हाँ, तो चीतों जिस शुद्ध पर्यावरण में रह सकता है, एक्चुअली पृथ्वी से ऊपर करीब आप कह सकते हैं कि 6400 किलोमीटर की एक कार्बन की मोटी लेयर है जो सूर्य के ताप को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है। अगर वो लेयर खत्म हो जाएगी तो सूर्य का जो दिन का तापमान होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, और जो रात का तापमान होगा वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वो जो कार्बन का लेयर है उसका बना रहना बहुत जरूरी है कार्बन उत्सर्जन से। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होंगी, बर्फ पिघलेंगे, ग्लेशियर्स गिरेंगे। तो इसलिए ये किया गया कि चीतों को यहाँ पर लाया जाए, चीते के लिए शुद्ध पर्यावरण दिया जाए और कार्बन के उत्सर्जन को कम कर दिया जाए। कार्बन के उत्सर्जन को जब कम किया जाएगा तो पर्यावरण ठीक रहेगा, प्रदूषण कम होगा, और जिससे देश, दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा परियोजना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं खास बात कि ये जो प्रोजेक्ट चीता है, ये ध्यान रखिए, इसमें कुछ चीजों को मैं आपको बता दूं। ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसके जनक कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। प्रोजेक्ट चीता के जो जनक है वो डॉक्टर एसपी यादव है, ठीक है, डॉक्टर एसपी यादव।
ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के जो जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर एसपी यादव। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हु इज द हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट चीता। तो डॉक्टर एसपी यादव के संरक्षण में इस प्रोजेक्ट चीता का पूरा संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अकबर एक मुगल वंश का शासक था, हुमायूं का पुत्र अकबर। ऐसा बताया जाता है कि अकबर के शासनकाल में भारत में कुल चीतों की संख्या 1000 से अधिक थी, मोर देन 1000, 1000 से अधिक भारत में चीते थे, मोर देन 1000। लेकिन अकबर के बाद से चीतों का शिकार होने लगा। एक बात ध्यान रखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि जो चीते हैं भारत में, चीते विलुप्त होने का कारण शिकार है, ना कि पर्यावरणीय असंतुलन। शिकार के कारण चीतों को खत्म किया गया, शिकार के कारण भारत से चीते विलुप्त हो गए। इसके पीछे कोई भी पर्यावरण असंतुलन नहीं है, कोई भी पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि ये सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, बहुत बहुत सहयोग आपका मिल रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, धन्यवाद सभी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो कुछ युग है, एक युग है मायोसीन युग। कौन सा युग? मायोसीन युग। तो करीब 2.6 करोड़ वर्ष पहले, 2.6 करोड़ वर्ष पहले चीतों की उत्पत्ति कहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है चीतों की उत्पत्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजय प्लीज बताइए सर, क्या बताऊं बेटा, कब से लाइव क्लास होता है ये? अजय 7 बजे से होता है, 7 बजे से अजय होता है, ठीक है, 7 बजे से होता है, सारे बच्चे जानते होंगे 7 बजे से होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका है और 7 बजे से लाइव होता है बच्चे आपका, ठीक है। तो सारा डाटा हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी होगी, और सारा टॉपिक हमने आपको बता दिया होगा, ठीक है। बिल्कुल सभी चीज, सभी डाटा हमने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की हम बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके, ठीक है। हाँ बिल्कुल आरती, 45 मिनट 50 मिनट में एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, सेम डे सेम क्लास, ठीक है, ठीक है। नहीं मिल रहा, मैं अभी आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अभी तो क्लासेस चल रही है ना, जब मैं यहाँ से मूव आउट होगा तो आपको ये चीज क्लासेस समझ में आई होंगी। टॉपिक हमने आपको चीता की चीजों के बारे में बता दिया, उसके वैज्ञानिक और नेशनल पार्क के बारे में बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे 7 बजे। ध्यान रखिएगा 7 बजे लाइव रहेंगे कल इसी टॉपिक पर। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी क्लास कैसी लगी लिख करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट सभी चाहिए मुझे आपसे, और कितना प्यार है वो हमारा और आपके बीच वो उसी से पता चल पाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।